दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे टमेटो पाउडर, जो टमेटो राइस सूप और कभी कभी हमको टमेटो केचप बनाना है या तो फिर को टमाटर बहुत महंगा हो गया है तो टमेटो पाउडर उसका यूज़ हो सकता है। तो घर पे बनाना बहुत इजी है, तो आज हम वही सीखेंगे कि टमेटो पाउडर घर पे कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 किलो जितना टमेटो लेके रखा है, उसको धो के पोंछ के रख दिया है। उसका हम बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये टमेटो को मैं साइड में रखूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्लाइस करके रखा है, फिर भी आपको एक बार बता देती, हमें इसका बारीक स्लाइस करना है। ऊपर का छिलका निकाल देंगे और टमेटो को बिल्कुल बारीक स्लाइस करना है ताकि वो जल्दी से सूख सके, इसीलिए हम उसको बारीक बारीक रिंग्स कर लेंगे। देखिए आप यहाँ पे मैंने थोड़ा करके रखा है ताकि आपको समझ में आए। ऐसे ही हम पूरा स्लाइसेस बना के रखेंगे। ये बहुत इजी है और सस्ता भी होता है और खाने के लिए भी अच्छा लगता है और घर का बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम ऐसे ही सब टमाटो को काट लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है, इसको बारीक करना है ताकि वो सूखने में जल्दी से सूख सके, नहीं तो वो टाइम लेगा बहुत सूखने में। देखिए अभी मैंने इतने सारे टमाटर कट कर दिए और मैं पूरा थोड़ी देर में कट करके रखती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने कट किया है अच्छे से। अभी हम इसको एक धूप में सुखाएंगे। यहाँ पे मैंने एक चादर जैसा डाला है, धूप है बहुत ही तेज, उसमें मैंने डाला है चादर जैसा। वहाँ पे हम ऐसे सभी स्लाइस को पूरा सूखा देंगे। इसको धूप में ही सुखाना है, उसको कम से कम 7 से 8 दिन तक आपको कड़ी धूप में सुखाना है और कपड़ा रखिए ताकि वो सोख कर ले। टमेटो का जो पानी है वो सोख करने में आसानी रहेगी तो जल्दी से थोड़ा सूख जाएगा। तो ऐसे ही हम पूरे टमाटर जो है उसको सूखा देंगे और थोड़ा सूखने के बाद उसको पलटा दीजिए ताकि वो जल्दी से सूख जाए। देखिए ये टमेटो राइस के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई अपन वेफर्स बनाना है, टेंगी टमेटो वेफर्स बनाना है तो उसी में भी वो पाउडर ऐड कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको चाहिए, अगर टमाटर नहीं है तो आपके पास ये पाउडर रहेगा तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इजीली। और अभी टमाटर भी बहुत आ रहा है और सस्ता भी बहुत है, तो आपको कम रेट में और घर का बनाया हुआ टमाटो पाउडर मिल सकता है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही सब कुछ टमाटर सुखा दूंगी पूरे का पूरा, उसको हम 7 से 8 दिन तक सुखाते रहेंगे। देखिए अभी मैंने पूरा टमाटर है उसको काट के अच्छे से धूप में सुखाने को रख दिया है। उसको ये 3 किलो टमाटर है जो भी अभी दिख रहा है आपको, वो 3 किलो टमाटर है मेरे पास जिसका मैंने स्लाइसेस करके धूप में रखा है। देखो अभी धीरे धीरे उसमें पानी है, वो सोक होने लगा है, धीरे धीरे वो सूखेगा, लेकिन उसको 7 से 8 दिन तक कड़ी धूप देना आपको ज़रूरी है, तब भी वो सूखेगा, तब तक वो सूखेगा नहीं। तो अभी हमने धूप में डाला है और कपड़ा डाला है ताकि वो जल्दी से पानी को ऑब्जर्व कर ले। तो अभी हम इसको धूप में सूखने देंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमेटो है वो अच्छे से सूख गया है। देखिए अच्छे से वो सूख गया है और कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज भी आ रहा है, अपने आप टूट भी जा रहा है। और ज्यादा सुखाया तो वो ऐसे ब्लैक में कलर में आ जाएगा, इसलिए उसको ज्यादा पतला मत रखिए और ज्यादा सुखाइए मत, क्योंकि ज्यादा पतला है तो वो जल्दी से ब्लैक हो जाता है, बाकी सब लाल कलर में रहेगा, इसलिए आप बहुत ही पतला मत करिए। अभी हम मिक्सर ले लेंगे, मिक्सर में इसको क्रश करेंगे और पाउडर बना के रख देंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जार लिया है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके टोमेटो ऐड करेंगे उसमें। अच्छे से उसको क्रश करना है। पहले मैं थोड़ा डालती हूँ। ये टोमेटो है वो थोड़ा सा क्रश हो गया है, तो उसमें और टोमेटो ऐड कर देंगे ताकि वो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो क्रश करने में अच्छे से हो जाएगा क्रश। ये पाउडर से आप टमेटो सूप, टमेटो राइस और कहीं पे भी आप सब्जी वगैरह में टमेटो भी अवेलेबल नहीं है तो यूज़ कर सकते हैं ये पाउडर। और इससे टमेटो राइस तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने ट्राई भी पहले भी किया हुआ है, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और अपन टेंगी टमेटो वेफर्स खाते हैं उसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से फाइन पेस्ट पाउडर बना देंगे उसको, अच्छे से थोड़ा क्रश करेंगे ताकि अच्छे से पाउडर हो जाए। अभी यहाँ पे मैं एक एयर टाइट बाउल लिया है मैंने, देखिए ये कांच का बाउल है, अच्छे से हमारा टमाटो का जो पेस्ट है वो अच्छे से बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। पाउडर आप साल भर के लिए रख सकते हैं, जब भी आपको यूज करना है उसमें से निकाल के आप यूज कर सकते हैं। देखिए अच्छे से फाइन पाउडर हो गया है, तो इसको हम एक कंटेनर में भर देंगे ताकि हम साल भर उसको रख सके। ये मैंने 3 किलो टमाटर का बनाया हुआ है, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और कभी भी बच्चों को वेफर्स वगैरह खाने को मन हुआ टेंगी टमेटो वेफर्स तो घर पे भी बना सकते हैं। टोमेटो राइस वगैरह बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अभी जो टोमेटो राइस के लिए मैंने जो पाउडर बनाया है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसको हम ढक्कन ढक के बंद करके रख देंगे। उसको आप बाहर भी रख सकते हो और फ्रिज में रखा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साल भर के लिए आप भर के फ्रिज में रख सकते हैं।
अभी रेडी है हमारा टोमेटो पाउडर।